स्वागत है दोस्तों आपका हमारी एकेडमी में। आज हम मैथमेटिकल सेक्शन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, एक हमने पहले पढ़ा था साधारण ब्याज, ठीक है। अब एक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज है क्या? देखिए, माना कि आपने कोई ऋण, कोई धन उधार लिया, कोई कुछ पैसा उधार लिया, और 6 महीने, साल भर या 2 साल, जितने के लिए भी उधार लिया, और उसके बाद ध्यान रखें यदि आप उस ड्यूरेशन के अंदर नहीं उसे अदा कर पाते हैं, तो उसके बाद आप पर क्या लगता है, मूल जो अमाउंट होती है और ब्याज को भी जोड़ के पूरी अमाउंट पे क्या लगता है, फिर दोबारा से ब्याज लगता है। यानी मूलधन के बाद जितना ब्याज जुड़ा है, जो मिश्र धन बना है, वो अगली बार के लिए क्या बन जाएगा, वो फिर मूलधन बन जाएगा और उस पर ब्याज लगती है। यानी ब्याज पे भी ब्याज लगता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। आज हम बात करेंगे, सवाल देखिए हमारे सामने कि 6,750 का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा। अभी हम फॉर्मूले से और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से और ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जो आपको बेहतर लगे आप उससे और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज समझ लीजिएगा। माना कि 6 माह के लिए आपने क्या लिया, 100 रुपये उधार लिया, ठीक है ना, 10% की दर से, ठीक है। तो 10% के हिसाब से 100 का 10% ब्याज हो गया 10, तो टोटल अब हो गया 110। आप चुका नहीं पाए तो अब जो अगली बार ब्याज लगेगा वो पूरी अमाउंट पे लगेगा, ना कि मूल अमाउंट पे, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं। सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है, इसमें ध्यान दिया है कि कोई धन दिया है, तो ध्यान रखिए इसमें मूलधन दिया है, प्रिंसिपल मूलधन दिया है हमें 6,750, ठीक है। दर हमें दी हुई है, दर दे रखी है, देखिए इसे 6 सही 2/3% दी है, इसे बदलिए, भिन्न में बदल दीजिए, 6 3 18 और 2 20, 20/3, 3%। और समय जो है, समय आपको दिया है 3 वर्ष, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि है क्या चीज़ ये, ठीक है ना, क्या चीज़ है ये और इसे कैसे सॉल्व करें, आप खुद ही समझ जाएंगे। साधारण ब्याज के फॉर्मूले से भी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, और मतलब क्या है इसका ध्यान रखिए। 3 वर्ष है तो पहले वर्ष के लिए देखिए, पहले वर्ष के लिए क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मली अगर हम ब्याज की बात करते हैं, PRT/100, मूलधन गुणा गया दर बटा गुणा गया समय बटे 100। तो निकाल लीजिए, आपके पास है मूलधन 6,750, ठीक है। दर कितना है, 20/3%, यानी 20 ऊपर आएगा और 3 नीचे आ जाएगा, इनटू समय कितना है, ध्यान रखें पहले वर्ष के लिए निकालें तो समय 1 साल ही होगा, क्या होगा, 1 साल होगा, ठीक है, और बटे 100, 3 × 100 कर लीजिए इसे, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है, 3 से काट लीजिए, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 225, 2 × 9 कितना हो जाएगा, 450 रुपया। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना आया, 450 रुपया आया ना। अब ध्यान दीजिएगा कि अब जब हम दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे, ध्यान रखें चक्रवृद्धि ब्याज का समझाने का मतलब यही है कि दूसरे वर्ष के लिए जो हम ब्याज निकालेंगे वो क्या होगा, प्रिंसिपल में भी ये जो ब्याज जुड़ जाएगा, यानी अब जो प्रिंसिपल होगा, पी होगा, मूलधन होगा, वो क्या होगा, 6,750 प्लस 450, ठीक है ना। अब इसे जोड़ दीजिए, 0 का 0, 5 और 5 = 10, 7 4 11 1 12 और 6 1 7, 7,200 रुपये अब क्या हो गया, अगले वर्ष के लिए मूलधन हो गया। ध्यान रखें इस प्रकार से हमें यह सॉल्व करना है। अब देखिए सेकेंड वर्ष के लिए ब्याज निकालिए, वही तरीका, ब्याज PRT/100, मूलधन कितना होगा, 7,200, दर दर वही रहेगी 20/3%, ठीक है ना, 20/3 इंटू समय 1 साल, क्योंकि हम दूसरे वर्ष के निकालें, और बटे 100 भी रहता है, ठीक है ना, हो गया। इसे फिर सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 से काट दीजिए, 3 × 2 = 6 और 3 × 4 = 12, तो ये कितना हुआ, 24 × 2 = 48 और 1 0 = 0, 480 रुपया, तो कितना हुआ, 480 रुपया, ठीक है ना। इसी प्रकार अब जब हम तीसरे वर्ष के लिए, क्योंकि 3 वर्ष का है ये, तीसरे वर्ष के लिए जब हम प्रिंसिपल लेंगे तो जो प्रिंसिपल आया था 7,200, उसमें ये भी जुड़ेगा कि ब्याज, ध्यान रखें यही चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्र एक चक्र की भांति कार्य करता है। तो इसे जोड़ दीजिए, 0 का 0, 8 का 8, 4 2 6,
जीरो का जीरो कर दीजिए और आठ का आठ हो जाएगा, चार और दो छः, सात का सात। अब ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल। अब ये मूलधन ये हो गया, चलो 7,680 रुपया। अब तीसरे वर्ष के निकालिए जो ब्याज होगा, ब्याज क्या होगा तीसरे वर्ष का, निकालिए 7,680 प्रिंसिपल यानी मूलधन, दर वही 20/3%, ठीक है ना, और समय कितना है 1 वर्ष, क्योंकि एक ही वर्ष के लिए निकालना है ना, तो into 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है ना, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, ठीक है ना, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, तो कितना है ये 256 दूना कितना हो जाएगा 512, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों वर्षों के जो ब्याज हैं, ध्यान रखें ये जो पहले वर्ष का ब्याज था, ये दूसरे वर्ष का ब्याज था और ये तीसरे वर्ष का जो ब्याज था, ये तीनों मिला के इस अमाउंट पे 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देख लीजिए आप, 450 जो है, 480 जो है और तीसरे वर्ष का 512, इनको जोड़ लीजिए, 2, 8, 5, 13 और 1, 14, ठीक है, 4, 4, 8, 5, 13 और 1, 14, रुपये 1442 रुपये क्या होगा, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा इस दर से। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको उस ब्याज के फॉर्मूले से क्या चक्रवृद्धि ब्याज है, जो ब्याज पे भी ब्याज लग रहा है, ठीक है ना। मूल धन क्या बन रहा है सेकेंड वर्ष के लिए ब्याज जोड़ के, और ऐसे ही थर्ड तृतीय वर्ष के लिए भी यही बन रहा है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है सीधा सीधा, ज़्यादा हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या है ध्यान रखें, एक तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, किस ट्रिक के माध्यम से आप फटाफट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या कहती है, ध्यान रखें, जो ट्रिक है, ट्रिक ये कहती है कि जो दर है आपकी, रेट है, दर है 20/3%, इसमें परसेंटेज को हटा दो, इसे भिन्न में बदल दो। तो पता है आपको परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज में बताया था, क्या करते हैं आप 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो 3 गुणा 100 हो जाएगा, 20/5, यानी 1/15, क्या हुआ 1/15 हो गया। अब ध्यान रखें, पहला स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में ध्यान दीजिए, जो आपका मूलधन है उसका क्या निकालेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, 6,750 गुणा किया 1/15, ठीक है, ध्यान रखें, निकाल लिया, कितना होगा ये 15 से काट दीजिए, 15 चौको 60, 7 बचा 15 पंजे 75, 450, ठीक है, हो गया। फिर सेकंड स्टेप, क्योंकि 3 वर्ष का तो 3 बार निकालेंगे, तो 450 फिर इसी के साथ गुणा करके 101/15, तो 15 तिया 45, 30, ठीक है। फिर जो ये 30 आया है इसका भी यही करेंगे, 1/15, ठीक है, 15 दूना 30, 2। अब करना क्या है ध्यान रखें, जब 3 वर्ष की बात हो तो आपको ये ध्यान रखना है, 3 एकम 3, 3 3 1, ठीक है, तो इसको 3 से गुणा कर देना है, इसे 3 से गुणा कर देना है और इसे 1 से गुणा कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कितना हुआ, 450 तिया कितना होगा, 3 शून्य की 0, 3 पंजे 15, 3 चौको 12 और 1 13, 1350, ये कितना होगा, 30 तिया 90 और ये कितना होगा, 2 एकम 2। तो ध्यान रखें, इस ट्रिक से आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो ये हो गया, इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो ये देखिए ये 1442 आ रहा है, ठीक है ना। और ध्यान रखें, इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से आपके बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक तो ये नॉर्मल क्वेश्चन, एक आप ध्यान रखिए चक्रवृद्धि ब्याज तीनों हो जाएंगे, और एक आपका जो ये लास्ट वाला है 2, ये क्या है, साधारण ब्याज, ठीक है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, ये ध्यान रखें, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सवाल क्या है, ₹5,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो ध्यान रखें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े आसान है, ट्रिक जो हमने पहले बताई है
उसी के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखें, सबसे पहले क्या दिया है हमें, प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया है 5,000, ठीक है, 5,000 मूलधन दिया है। अब हमने क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो दर दिया है, ब्याज दिया है, ब्याज की दर 4%, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, ठीक है ना, तो 4 से काट दीजिए 25, 1/25, ठीक है। अब क्या है सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो मूलधन है 5,000 रुपया उसकी गुणा किससे करेंगे, जो ये भिन्न आया दर से, और ध्यान दे दीजिए क्या आया, ये 25 दुना 50 यानी 200, ठीक। अब इसके बाद जो ये 200 आया, क्योंकि 2 वर्ष का है तो 2 बार करेंगे, ठीक है ना, 3 वर्ष का है तो 3 बार करेंगे, तो ध्यान रखें, तो 200 को फिर वही इस भिन्न से जो ब्याज की दर आया था उससे गुणा करेंगे, ठीक है, 25 अठे 200, ठीक है। तो ध्यान रखें क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर क्या है, तो आंसर आपका हो जाएगा 8। हमेशा जो आखिरी वाला होता है वो चक्रवृद्धि, ध्यान रखें वो क्या होता है, CI-SI होता है, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है साधारण ब्याज से, ठीक है ना, अगर समान वर्षों के लिए लगाए जाएं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो 8 रुपया क्या होगा, रुपया 8 होगा साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अगर बोलता, ध्यान रखें 8 कैसे होगा, अभी एक स्टेप बाकी है, अब आगे बताते हैं, 8 तो होगा ही होगा, एक स्टेप बाकी है, अगर देखना चाहें तो इसको 2 से गुणा कर दो तो ये आया 400, इसे 1 से गुणा कर दो ये आया 8। तो ध्यान रखें जिस प्रकार हमने बताया था 3 वर्ष के लिए क्या करना था, पहले वाले में 3 की गुणा, फिर दूसरे वाले में 3 की गुणा और तीसरे वाले में 1 की गुणा करनी थी, और 2 वर्ष वाले में हम क्या करेंगे, पहले वाले में 2 की गुणा और दूसरे वाले में 1 की गुणा करेंगे, तो जाके हमारा फाइनल सोल्यूशन बनेगा। अब ध्यान रखें कि ये 8 हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, CI-SI। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो वो क्या होगा, हमेशा इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट वो होगा 408 रुपया, ठीक है, और जो साधारण ब्याज होगा सिंपल इंटरेस्ट वो होगा 400 रुपया, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, बड़ा सिंपल ट्रिक है और इससे आपके बड़े बड़े अच्छे से क्वेश्चन हो जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा कि हमने क्या करना है, कि 2 वर्ष के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ट्रिक सभी क्वेश्चन के लिए ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने एक भिन्न में बदलना है, 100% हटा देंगे तो 100 से भाग होता है, 1/25 आया, फिर उसे जो मूलधन है उससे गुणा करके जो भी अमाउंट आती है, जो भी राशि आती है, फिर जो राशि आती है उसे फिर दर से गुणा करके जो भी राशि आती है, फिर जो जो राशियां आया इसे मल्टीप्लाई फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, इस जो सिस्टम है ये वाला जो ट्रिक है, 200 की 2 से गुणा और 8 की 1 से गुणा कर देते हैं, फिर जो भी राशि आती है, जो आखिरी वाला होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होता है, और पहले वाला होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, और दोनों को जोड़ के जो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगला जो सवाल है काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है निरंतर, कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹45 है, तो वह धनराशि क्या होगी। ध्यान रखें अभी तक हमें मूलधन दिया हुआ था, लेकिन अभी वो मूलधन हमें नहीं दिया हुआ है, अंतर दिया है, तो ट्रिक तो वही रहेगी लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि पहले तो तरीका वही है कि जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो ध्यान रखें भिन्न में बदलने के लिए क्या है कि जो भी है इसे क्या कर देना है, 100 से भाग कर देना है, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करना है, 5 * 20 = 100 यानी 1/20। अब ध्यान रखें इस प्रकार के प्रश्न में जहां पे मूलधन नहीं दिया है, मूलधन क्या मानेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का भिन्न में बदलने के बाद हर आया यानी डिनोमिनेटर आया उसका वर्ग कर देंगे, तो जो प्रिंसिपल होगा यहाँ पे यानी मूलधन होगा वो क्या होगा,
20 का वर्ग क्या होगा, 20 का वर्ग, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, 20 गुणा गया 20 400, वर्ग का मतलब, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दें कि हमें प्रिंसिपल निकालना है, ये तो हमने ट्रिक से थ्रू कर रहे हैं हम सॉल्व। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप हम कर चुके हैं, ठीक है, सेकंड स्टेप में प्रिंसिपल बनाना है, थर्ड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, वही तरीका जो पहले किया था, 400 जो प्रिंसिपल है उसको गुणा कर देंगे किसके साथ, जो दर है बदल के आई है 1/20, तो 20 कितना होगा, 20 विसंगी 400 यानी 20 आया, कितना आया 20 आया। ठीक है, अब ध्यान रखें अगला देखिए, फिर जो इससे वैल्यू आई, क्योंकि 2 वर्ष के लिए है, कितने वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है, तो 2 बार करेंगे जो स्टेप है, 2 बार चलेंगे, वो 1/20 यानी 20 से कम 20, कितना आया 1। ठीक है, इसके बाद क्या बोला था कि अगर 2 वर्ष के लिए है तो पहले वाला जो वैल्यू आई है उसमें 2 की गुणा और दूसरे वाले में 1 की गुणा, तो 20 दूना 40 और 1 एकम 1। जो हमने बताया था लास्ट स्टेप आता है वो क्या होता है, सी आई माइनस एस आई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, लेकिन वो हमें दिया है 45। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 है तब मूलधन कितना है 400 है, जब 45 होगा इन दोनों का अंतर तो फिर मूलधन कितना होगा, इससे गुणा कर दीजिए, 400 गुणा गया 45 कर दीजिए, है ना, क्योंकि अंतर हमें दिया है, तो ये आ जाएगा 2 0 का 0, 45 को 180 यानी रुपया 18,000। तो ध्यान रखिए इन स्टेप्स का, ध्यान रखिए बड़े शॉर्ट ट्रिक से बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कैसे किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को सबसे पहले ट्रिक है कि उसे क्या कर देना है, भिन्न में बदलना है, परसेंटेज हटा देनी है, फिर जहां पे प्रिंसिपल यानी मूलधन नहीं दिया है उसको कैसे मानना है, इसका जो हर है, हर इसके हर को लेना यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को लेना है, ध्यान रखें इसका वर्ग कर देना, क्योंकि 2 वर्ष पूछा गया है, अगर 3 वर्ष पूछा रहता तो इसका क्यूब करते, 3 घात करते, तो 20 का वर्ग 400 आ गया। फिर वही स्टेप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि जो मूलधन माना हमने जो आया है उसमें क्या कर देंगे, इस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस भिन्न की गुणा कर देंगे जो भी आया, फिर जो प्रोडक्ट आया उसके बाद फिर उसमें इस भिन्न की गुणा कर देंगे, फिर जो आया फिर उनमें क्या कर देना है, अगर 2 वर्ष के लिए है तो 2 और 1 कर देंगे, ठीक है ना, 2 ऊपर वाले में 2 और नीचे वाले में 1 की गुणा, तो जो भी आया, ये पता है आपको जो आखिरी स्टेप होता है वो सी आई माइनस एस आई होता है, यानी दोनों का ब्याजों का अंतर होता है, लेकिन जब ब्याज 1 है, 1 रुपया है तो मूलधन 400 है, लेकिन जब ब्याज 45 रुपया होगा तो मूलधन कितना हो जाएगा, 45 की गुणा कर दो तो 18,000 आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक सवाल आपके लिए ही वाला, इसका सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 है, तो वह धनराशि क्या है।